एक्सरसाइज 2.2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पहले समझेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता क्या है। ऐसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहेंगे। अब दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, इसके जीरो का, यानी किसके जीरो का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज का दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है। तो आपको ये जो वैल्यू फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो क्या गिवेन है, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। यानी ये क्या है, ये मेरा सम ऑफ जीरोज है, क्योंकि यहां सम बोला गया है, तो ये है आपका सम ऑफ जीरोज। वो कितना दिया हुआ, 1/4। ये क्या है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1। अब यहां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको हम बताना चाह रहे हैं। होता क्या है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ इट्स जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इस जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर होगा। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है। आप यहां 1/4 लिखिए, यहां क्या है एक्स है, एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहां आप -1 लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, आप इसे इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4, यानी हो जाएगा 4। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या रहेगा, 4x2। तो यहां लिखेंगे 4x2, यहां लिखेंगे माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो यहां पर आ जाएगा x। यहां पर क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो 0 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आएगा आपका 0, यानी 4x2 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी 4 0 से इंटू होगा तो 0 ही होगा। तो ये आपका जो है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें पॉलीनोमियल में लिखना है तो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 4x2 माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा।